हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। व्हाट्सएप फाइट फॉर डाउट के इस पहले सेशन में आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारे शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर जो कि रैशनल नंबर्स हैं। तो उसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन करेंगे। आज बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन के अंदर आपको मालूम होना चाहिए आपके होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। फिर उसी के अंदर जो है हम धीरे धीरे करके और डीप में जाने की कोशिश करेंगे, आपको बेसिक्स समझाने की कोशिश करेंगे। आप जब इसको बेसिक्स की फॉर्म में जब आप पढ़ोगे तो आप इसको क्या, तो जैसे हम मैंने यहाँ पे लिखा भी है रैशनल नंबर। पहले सबसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है रैशनल नंबर को। तो रैशनल नंबर को हम बोलते भी हैं एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाय क्यू फॉर्म। मतलब पी बाय क्यू फॉर्म का मतलब क्या होता है, 2/3, 3/2, इस तरह कोई फॉर्म हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन मुझे एक और चीज जाननी चाहिए, जब हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे जो नीचे वाला जो टर्म होता है ना, जो क्यू होता है, क्यू जो है हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। इसमें हमारे पास जो है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज राइट देयर। देयर आर क्लोजर प्रॉपर्टीज, सेकेंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, जो कि आपके सिलेबस के अंदर ये सारे ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, हम अभी इन चारों के चारों प्रॉपर्टीज को एक बार ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं कि ये सभी प्रॉपर्टीज के अंदर कौन कौन से, जो आप ये कह सकते हो किस किस तरह के इस प्रॉपर्टीज अप्लाई किस तरह होता है आपके क्वेश्चन, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है आपको इस सभी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना भी आना चाहिए आपके क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए इसको अप्लाई किया। चलिए पहली प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके अंदर हमारे पास 4 सब टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 सब प्रॉपर्टीज राइट देयर, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। तो हम जो है अभी सबको ना एक बार देखते हैं होती क्या है। जैसे कि हम एडिशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो एडिशन में क्या होता है, एडिशन को हम बोलते हैं a बाय बी प्लस सी बाय डी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें अगर कोई वैल्यू लेता हूँ, एग्जाम्पल में मैं अगर आपको एडिशन के अंदर मैं 2 वैल्यूज ले लेता हूँ, एक होता है हमारा 6/9 और दूसरा होता है हमारा 2/9। तो आप जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपने आप एक चीज देखो, मैंने आपको एक चीज बोली थी, नीचे वाला जो टर्म होता है हम इसको बोलते हैं क्यू, और क्यू मैंने 0 के इक्वल नहीं रखा, क्यू 0 से बहुत दूर है। आपने देखा वो 9 रखा है मैंने क्यू को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 जो है हम इसमें एलसीएम लेंगे, और बेसिक बात है मेरे ख्याल से आप सबको सब लोगों को एलसीएम और ये सब आता होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों नीचे कॉमन है तो इसीलिए एलसीएम हमारा क्या आएगा, 9 आ गया। 6+2 और 6+2 क्या होता है हमारा 8 होता है, ये हो जाएगा मेरा 8/9 और ये क्या है मेरा 8/9। 0 के इक्वल तो है लेकिन 0 नहीं है, अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग 8 आएगा, तो लगभग ये 1 के इक्वल है। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा रैशनल नंबर है, तो ये प्रूव होता है। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में जो हम जहां हम एडिशन करते हैं तो a बाय b प्लस c बाय d करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम a बाय b माइनस c बाय d करते हैं। सेम टू सेम हम जब माइनस वैल्यू करते हैं, हम जब यहाँ पे जब माइनस करते हैं तो क्या आएगा, हम यहाँ पे सेम टू सेम टर्म को मैं लेके चलता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स को चेंज नहीं करूंगा, यही टर्म्स को मैं लेके चलूंगा। क्या आएगा यहाँ पे हमारा 6/9 माइनस 2/9। आपने एलसीएम मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एलसीएम वापस हम यहाँ पे लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 9 एलसीएम आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 6-2, और 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पे 4/9। और यहाँ पे भी अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो भी ये आपका देखो 0.6 समथिंग आ रहा है ये, और 0.6 भी रैशनल नंबर है। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए हम अब मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में a बाय b मल्टीप्लाई बाय c बाय d होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हम सेम टू सेम टर्म को हम लेते हैं, क्या आएगा हमारा यहाँ पे 6/9 मल्टीप्लाई में 2/9। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 12, 9 9 18, 81।
ठीक है। अब आप इसको नोटिस कीजिए, यहाँ पे क्या ये भी रैशनल नंबर बन रहा है? हाँ ये भी रैशनल नंबर बन रहा है। कैसे पता? आप इसको डिवाइड करेंगे जब, ये भी आपके और ये भी आप जब इसको देखिए वैल्यू आएगी, बट जीरो के नियर बाय वैल्यू आएगी, बट जीरो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, जीरो नहीं आनी चाहिए। और ये सारी आपकी रैशनल नंबर, मैंने ये पहले सबसे पहले आपको बताया था कि ये सारी चीज क्या होती है, कहां से ये बन के आती है, तो पहले एक बार लेक्चर वो मतलब देख लेना, ठीक है। देखिए हम अब बात कर रहे हैं हम डिवीजन के बारे में, तो डिवीजन में क्या होता है, सेम टू सेम टर्म को हम जब लेते हैं, डिवीजन का मतलब है 6/9 डिवाइड बाय 2/9, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या है, ये नीचे डिवाइड में है और बीच में डिवाइड, मतलब ये पलट जाएगा, ऑब्वियसली बात है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या आएगा 6/9, ये वापस पलट के क्या नीचे वाला डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9/2। अब कट करिए, 9 से 9 कैंसिल, 2 से ये 3 कैंसिल, तो क्या आया ये 3 आया। अब इसका मतलब क्या, 3 तो 0 से काफी ही दूर है, तो मतलब ये क्या है, जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर प्रॉपर्टीज हमारी पूरी तरह से रेशनल नंबर के साथ चलती है, इसके अंदर एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों सब प्रॉपर्टीज जो है रेशनल नंबर की होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है, इस प्रॉपर्टीज के अंदर आपको एक फॉर्म बनानी होती है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब क्या है, दो टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या जो इक्वल टू होगा वो क्या दूसरे सेम दोनों टर्म्स के इक्वल होगा, क्या ऐसा होता है क्या? हाँ, इसको हम ट्राई करेंगे। तो इसके अंदर भी चार प्रॉपर्टीज होती है, हम पहले एडिशन प्रॉपर्टीज के बारे में, एडिशन सब प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है एडिशन सब प्रॉपर्टीज में, जैसे मान लो ए प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई डी, मतलब क्या ए बी प्लस ए बी को अगर हम सी डी के साथ ऐड कर दें तो क्या जो CD प्लस जो AB होगा, क्या ये एक दूसरे के इक्वल होगा? ये आप कह सकते हो, इसको आप केस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको आप? इसको आप केस भी बोल सकते हो। तो केस के लिए क्या करते हैं, चलिए मैं ना दो टर्म ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक ले लेता हूं मैं A बाय B में 2/5 और दूसरा ले लेता हूं मैं 4/5। क्या चीज, 2/5 और दूसरा मैं ले लेता हूं 4/5। आप एक चीज गौर करो, ये दोनों को मैंने जो लिया है ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं, दोनों रेशनल नंबर्स हैं। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा, 5 को आप नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा आपका 2+4 एंड 2+4 कितना होता है 6 होता है, 6/5 होता है, और 6/5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सेम टू सेम हमने अभी इसको सॉल्व किया है, सेम टू सेम हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसके नीचे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, सी बाय डी प्लस ए बाय बी, सी बाय डी का मतलब 4/5 प्लस ए बाय बी का मतलब 2/5। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी, इसको जब हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये भी वैल्यू आ रही है क्या? हाँ, चेक कर लेते हैं, ये भी होगा 4/4+2 इक्वल टू, मतलब 4+2 6/5। तो हमें ये मालूम चल गया कि अगर जब मैं इस दोनों को इक्वल रखता हूं और जो सॉल्व करता हूं तो 6/5 इक्वल टू 6/5 बन रहा है, और ये दोनों इक्वल है तो ये मेरा रैशनल नंबर यहां पे प्रूव हो गया है। अब इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। तो इसी के साथ हम आप करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन, जो सेकंड टॉपिक है हमारा कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज की। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं a बाय b माइनस c बाय d इक्वल टू c बाय d माइनस a बाय b। तो इसके अंदर हम जो वैल्यूज पुट करते हैं, मान लो जैसे कि मैं अगर वैल्यूज कोई डाल रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, जो मैंने इससे पहले एडिशन में जो मैंने वैल्यूज ली थी, मैं वही वैल्यूज को यहाँ पे ले लेता हूँ, 2/5 और 4/5। क्या चीज, 2/5 और 4/5, मतलब क्या हो गया मेरा, यहाँ पे मैंने a बाय b क्या लिया है, मैंने a बाय b लिया है यहाँ पे 2/5 और c बाय d लिया है मैंने 4/5, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर क्या होगा, मैं जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 5 तो हमारा एलसीएम आ रहा है, कॉमन आ रहा है 5 सबके लिए कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब हम अब इसको हम ऊपर भी एलसीएम लेंगे क्या आएगा, ये 2-4 आएगा, क्या आएगा, 2-4 आएगा, ठीक है। और 4 में से 2 जाता है तो कितनी वैल्यू आती है, -2/5 आती है, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू क्या आई मेरी, ये वैल्यू मेरी आई रैशनल नंबर में पहले फॉर्म के लिए। जब मैं दूसरा फॉर्म करता हूं तो क्या आएगा, यहां आ जाएगा आपका c बाय डी, c बाय डी का मतलब 4/5 माइनस c a बाय बी, a बाय बी का मतलब 2/5
5। अब जरा हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं क्या आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 क्या है हमारा एलसीएम आएगा। 5 को जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 माइनस 2। ऊपर क्या रहेगा हमारा 4 माइनस 2, और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2/5। अब जरा एक चीज गौर करना है यहाँ पे, क्या जरा दोनों टर्म को गौर करो, यहाँ पे आ रहा है -2/5 और यहाँ पे आ रहा है +2/5। क्या ये दोनों टर्म इक्वल है? क्या नहीं है दोनों टर्म इक्वल। दैट मीन्स क्या ये रेशनल नंबर कभी प्रूव हो सकता है क्या? बाय चांस किसी केस में प्रूव होता होगा, मैंने तो आज तक कभी प्रूव होते हुए इसको देखा नहीं है। ठीक है, एक दो चीज और बता दूंगा आपको मैं, एक दो एग्जांपल इसके अलावा, एक एग्जांपल आप इसको नोट कर लीजिए इस एग्जांपल को। मैं एक पीडीएफ फॉर्म में आपको एग्जांपल नीचे भी डाल देंगे हम लोग। ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगा डाल देंगे। इसमें क्या होगा, जब आपको उस दूसरे फॉर्म से मालूम चल जाएगा आपको कि ये जो है इक्वल नहीं होती, इसके 2/5 के अलावा -2/5 और इक्वल टू +2/5 है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर ये नहीं है। तो इसी के साथ ये भी हमारा प्रूव होता है। तो चल अभी हम जो है मल्टीप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का जो फॉर्म होता है हमारा a/b × c/d = c/d × a/b, क्या ये सक्सेसफुल है? क्या ये रैशनल नंबर है? चल इसी को प्रूव करते हैं। ठीक है, a बाय b की वही मैंने पुरानी वैल्यूज रखी है जो यहाँ पे रखी, जो लास्ट मैंने लिया था सब्ट्रैक्शन में। चलिए ठीक है, अब क्या होगा हमारा a बाय b की जगह मैं क्या लूं 2/5 मल्टीप्लाई में 4/5। ठीक है, इक्वल टू में c बाय d की जगह क्या लेता हूं मैं 4/5 मल्टीप्लाई में क्या लूं a बाय b की जगह 2/5। गॉट इट। अब दोनों को मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा 5 × 5 = 25। ठीक है, 4 × 2 = 8 बिल्कुल ठीक, ये तो बिल्कुल ठीक है ये वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये वाला 5 × 5 = 25। ठीक है, 4 × 2 = 8 ये दोनों इक्वल है क्या? इक्वल है। मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के थर्ड पार्ट के अंदर मल्टीप्लीकेशन में ये हमेशा इक्वल रहेगा। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आपको हम भेज देंगे, इसको उससे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम जो है लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, लास्ट सब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? इट इज कॉल्ड डिवीजन प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर क्या होता है, सेम टू सेम हम इसको ए बाय बी के फॉर्म में हम रखते हैं। ठीक है, और ए बाय बी के फॉर्म में हम क्या देखते हैं फिर इसमें कि ये वाली जो है इक्वल प्रूव होती है या नहीं होती, इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर डिवीजन फॉर्म देखते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, मान लो मेरे पास दो टर्म है, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हमारा लिखने का एक तरीका होता है, जो मेथड होता है वो मेथड हमारा ये है कि जैसे कि मान लो ये a प्लस बी है, मेरे पास दो टर्म हो गया यहाँ पे। दो टर्म कौन कौन सा हो गया, एक टर्म हो गया मेरा यहाँ पे a/a/b डिवीजन में डिवाइड c/d = b का मतलब c/d डिवाइड में a/b। ये हो गई मेरी एक्सप्लेनेशन इसके बारे में। आगे काम करते हैं, मैं a/b की वैल्यू हम डाल देते हैं इसमें, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है क्या है 2/5 डिवाइड में 4/5। मैं ऐसे भी डिवाइड लिख सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि बीच में ये डी ऐसे डिवाइड हो, और ये 4/5 डिवाइड में 2/5। ठीक है, देखिए आगे क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, आगे जब तो इसको सॉल्व करेंगे आप, क्या होगी मल्टीप्लीकेशन में रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, ये 2/5 डिवाइड मल्टीप्लाई में 5/4, ऐसे यहाँ हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई में 5/2। वैल्यू कट कीजिए, कट करनी आती होगी, काट काट से 5 × 1 = 2 कितना आया 1/2 = 2/1। क्या ये एक दूसरे के इक्वल है? नहीं, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। मतलब क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं। तो इसी के साथ अगले पे चलते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। चलिए उतार दीजिए आप इसको। तो अभी हम करने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का पहला पार्ट, जिसका नाम है एडिशन। उस एडिशन में क्या होता है, उस एडिशन के अंदर हमारा क्या फॉर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का एक्चुअल में इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है a+b + c = a+b + c। मतलब क्या है, इसके अंदर आपको बोर्ड मास्टर रूल यूज करना पड़ेगा। बोर्ड मास्टर मतलब पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, जो फाइनल आंसर आएगा उसको ब्रैकेट वाले बाहर वाली वैल्यू के साथ आपको ऐड करना पड़ेगा। तो चलो हम एडिशन से शुरू करते हैं। इसके अंदर भी चार टाइप्स होते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि आपको भी पढ़ने में थोड़ा आप लोगों को बोरियत फील ना हो इसके अंदर।
चलो एडिशन में क्या होगा, एडिशन में हम यहाँ पे हमने इस फॉर्म को यूज किया, हम इसी फॉर्म को लेकर चलेंगे क्या चीज, ए बाय बी प्लस सी बाय डी। मैंने बोला था पहले हम अंदर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस में थर्ड पर्सन को, हम थर्ड वाले को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका ई बाय एफ इज इक्वल टू सेम टू सेम आगे करेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा ए बाय बी प्लस में ब्रैकेट सी बाय डी प्लस में ई बाय एफ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारी, ये हमारी एडिशन की इक्वेशन बन गई है। हम क्या करते हैं वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ए बाय बी, एक ए बाय बी भी क्या रखा है यहाँ पे 2/5, सी बाय डी भी क्या है 4/5, ब्रैकेट में कर दिया इसको हमने, प्लस में ई बाय एफ में क्या रखा है हमारा यहाँ पे 6/5 इज इक्वल टू ए बाय बी वापिस से 2/5। ठीक है, प्लस में सी बाय डी 4/5 प्लस में ई बाय, मैं काम करता हूँ आप तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको मालूम चल जाएगा आपको वैल्यूज क्या आएगी इसके अंदर। थोड़ा मैं आपको फिर भी शॉर्ट बता देता हूँ क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5। देखिए सारी वैल्यूज प्लस में है, ऑब्वियस बात है प्लस में वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती है, तो मैं ये बता देता हूँ ये आपके रजिस्टर नंबर आपका होगा, रजिस्टर नंबर ये आपका होगा। क्यों होगा आप यहाँ पे देख लीजिए 5 5 5 5 5 5 LCM 5 होगा, ऊपर सारी वैल्यू प्लस में, सारी वैल्यू आपस में प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आएगा आपका लगभग ये आपका 6 4 10 10 to 12 मतलब 12 12 12/5 ये आपका रेशियो नंबर 2 हो रहा है। हम अब सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं, आपको ज्यादा इसको लिख लीजिए, आप कर लीजिएगा इसको एक बार नीचे से करके आप देख लीजिएगा, करके आपका हो जाएगा। कमेंट में आप डाल दीजिएगा वैल्यूज क्या आएगी, आप उस वैल्यूज को मुझे कमेंट में डालोगे, आप ये वैल्यूज आपके कमेंट बॉक्स में मुझे दिख, मैं सबकी वैल्यूज को पढ़ूंगा देखूंगा सबकी वैल्यूज को, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर इसकी वैल्यू डालना। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा सब्ट्रैक्शन वाला सब पॉइंट है इसके अंदर। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में आप सेम टू सेम टर्म जो होती है इसको आपको जो बीच में प्लस की जगह एडिशन की जगह हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है जहां जहां हमारे प्लस थी वहां वहां हमने वैल्यूज को ऐड करके सब्ट्रैक्ट हमने करना है। अब इसको जरा आप लोग ट्राई कीजिए, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा अपने नोटबुक में, आप ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। और हाँ एक बात और, इस वीडियो काफी अच्छी वीडियो है, हमने कोशिश करी है बनाने की, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके पास लाइक थंब प्रिंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा इसके साथ। ठीक है, चलिए अभी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 5 हमारा एलसीएम आ गया 2 - 4 - 6/5 = 2/5 - = 5 एलसीएम ले लिया, कितना आएगा हमारा 4 - 6, ये आता होगा आप लोगों को बड़े बखूबी से। चलिए आगे करते हैं, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारा -2 बचेगा, -2/5 - 6/5 = 2 एंड 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस, यहाँ आएगा आपका 2/5 माइनस, यहाँ आएगा आपका माइनस ऑफ 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2 - 2/5। अब एक चीज गौर करो, यहाँ पे 2 है यहाँ 6 है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, क्या ये दोनों इक्वल है क्या? कुछ भी कर लो, अगर माइनस करोगे तो क्या होगा -6 - 8 - 2 = 2 4, क्या ये रेशनल नंबर है क्या? नहीं है। आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में डालना, बड़ी बखूबी से हम इसको चेक करेंगे आपके सभी आंसर को, और सब्सक्राइब जरूर कर देना इस वीडियो को एक अच्छी सी थंब प्रिंट के साथ। चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू। मल्टीप्लीकेशन में जैसे जहां जहां हमने एडिशन किया, जहां हमने प्लस का यूज किया, जहां हमने माइनस का यूज किया था, वहां पे क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे। सारी वैल्यू सेम टू सेम हमने पुराने वाली वैल्यूज हमने यहाँ पे ऐड किए, नया वैल्यू मैं कुछ नया नहीं कर रहा, सारे पुराने वैल्यूज जो आपको समझ में आ चुका है ऑलरेडी मैं उसी को लेके आगे बढ़ूंगा, ताकि किसी तरह कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट ना। चलिए शुरू करते हैं, ये देखिए मल्टीप्लीकेशन आपको दिखाता हूं मैं, आप वैल्यूज को मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट करके बताऊंगा एक्चुअल, आप कंफर्मेशन आप मुझे नोटबुक में करके, आप अगर हो सके तो आप मुझे जो अपने नोट्स जो आप करेंगे उसकी जो आपकी आप मुझे एक बार जरूर भेजिएगा आपने कैसे आपको सॉल्व किया है। देखिए 4 2 = 8 5 5 = 25 चलिए करते हैं, 4 2 = 8 5 5 = 25 मल्टीप्लाई में 6/5 सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ये देखो 2/5 मल्टीप्लाई में 6 4 = 24/25 सबको पता है कई बार, हाँ सबको पता है, सबको पता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करो 8 6 कितना होता है 8 6 = 48 48/25 = 125 बोले हाँ या ना, बोले हाँ या ना,
देखो टेबल सबको आनी चाहिए ये चीज, अगर आपको टेबल नहीं आती ना तो ये आपकी गलती है, अगर मैं बता नहीं पा रहा तो ये मेरी गलती है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से, पर टेबल नहीं आई है तो टेबल कम से कम 25 तक टेबल तो सबको लर्न होना चाहिए, आराम से लर्न होना चाहिए, हो जाता है। अब इसको देखो 24 टू 48 सबको पता है, 25 5 जा 125 ये भी सबको पता है। क्या ये दोनों इक्वल है क्या? हाँ ये दोनों इक्वल है, इक्वल है मतलब रेशनल नंबर प्रूव हो चुका है। तो इसी के साथ इसका भी रेशनल नंबर हमें मिल चुका है। चलिए अब करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, हमारा लास्ट सब टॉपिक जिसका नाम है डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, जहां जहां पे हमारी मल्टीप्लीकेशन थी, जहां जहां पे हमारी एडिशन थी, वहां पे हमने क्या किया, डिवाइड को एड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो डिवाइड करना सबको आना चाहिए, बस हो भी आता है वो सबको डिवाइड है। चलिए एक काम करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, हमने सारी वैल्यूज को वापस पुरानी जिसकी तरह हमने सारी पुरानी वैल्यूज को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। कट कीजिए 2 1 2 2 2 4 5 6 5 कैंसिल, 2 1 2 2 ये नहीं कटेगा, ये बाहर है, ये 2 2 4 2 3 6 5 6 5 कैंसिल। एक काम करिए अब जरा देखो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा 1/2 डिवाइड में 6/5 और यहाँ पे क्या बचा 2/5 डिवाइड में 2/3 यही बच रहा है क्या? अभी भी कुछ कट रहा है क्या? अब कुछ नहीं कट रहा। लेकिन एक चीज मुझे मालूम चल गया कि अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 3 आ जाएगा। मतलब क्या 3/5 आ रहा है, ये आपका लास्ट पॉइंट, लास्ट लाइन, ये आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। हिंट आपके सामने है, ये रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे भी 5/5। चलो कुछ नहीं छोड़ो, आप बताओ क्या है, 5/3 है 3/5 है, ठीक है आप बताना इसको। चलिए हम जोड़ते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। चलिए तो लास्ट प्रॉपर्टीज है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे मान लो हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी टर्म से, फॉर एग्जांपल क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, ये होती है इक्वेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की। मतलब 4x + 6, 4x मतलब ये आ जाएगा आपका 4x को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 6 को 4 से पर करेंगे तो 24, ये हो जाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके भी दो टाइप्स हैं, सब टाइप्स कौन कौन से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, देयर आर एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग में क्या होता है, एक आपका जो जैसे ये बीच वाला जो टर्म होता है इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, सेकेंड हम इसी में फिर माइनस नेगेटिव कर देते हैं। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जब आप इसमें वैल्यू डालोगे, जो मैंने वैल्यूज आपको बता रखी है ऑलरेडी, मैंने आपको वैल्यूज बताई है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज को रद्द कर दिया, ये आपका होमवर्क रहेगा, लास्ट लेक्चर का ये होमवर्क है आपका। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ने समझा दिया आपको क्या होता है, जिसके अंदर हमारा एक टर्म मल्टीप्लाई होता है और बीच वाले टर्म जो होती है उसको एडिंग या फिर सब्ट्रैक्टिंग होता है, ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात ही कर रहे हैं, ये आपको मैंने बता दिया एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, और लेक्चर भी हमारे लगभग खत्म होने वाला है, तो आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा। जितने मैंने एक तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यूज आपको ऐड करनी है, नंबर दो जितने मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, जितना मैंने बोला है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो जितनी सारी चीजें जो सारी चीजें कमेंट बॉक्स में चाहिए वो सारे मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रोवाइड करवाएंगे, और मैं और मेरा काम क्या है, मैं आपको इसके नोट्स जो मैंने आपको करवाया है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराऊंगा। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। तो जय हिंद।